नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़। हम आपको लेकर चल रहे हैं प्रतापगढ़ की ओर, जहां स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के इलाज के लिए रक्तदान संस्थान के माध्यम से हुआ रक्तदान। रक्तदान संस्थान के रक्तदाता चंदन और सिद्धार्थ ने अपना रक्त देकर किया मरीज की मदद। इस वक्त की खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां आज रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे द्वारा संस्थान के सहयोगी विनोद कुमार सिंह की सूचना पर स्पर्श हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में भर्ती मरीज केसरी देवी, उम्र 80 वर्ष, निवासी गोड़े प्रतापगढ़, जिनका ऑपरेशन होना है, उनके ऑपरेशन हेतु रक्तदाता के अभाव में दो रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान करवाकर दो यूनिट रक्तदान जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के रक्त कोष में करवाया गया है। रक्तदान में प्रमुख रूप से सिद्धार्थ सिंह, उम्र 21 वर्ष, निवासी ओजला ताला प्रतापगढ़, एवं चंदन सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी पूरे पांडे दीवानगंज शीतलागंज प्रतापगढ़ द्वारा रक्तदान किया गया। संस्थान द्वारा दोनों रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आप जैसे युवाओं द्वारा जरूरतमंद मरीजों हेतु रक्तदान करके उनका जीवन बचाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि संस्थान परिवार को एक संबल प्रदान होता है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग ऐसे ही संस्थान का सहयोग बनाए रखें, जिससे कि जरूरतमंदों की सेवा निस्वार्थ एवं निःशुल्क की जा सके। आज के इस मौके पर निर्मल पांडे, विनोद सिंह, सिद्धार्थ सिंह, चंदन सिंह, पवन नंदन भट्ट, कुसुम लता गुप्ता, विशाल शुक्ला, श्रद्धा शुक्ला, संदीप मिश्रा, मूरतलाल यादव, शिव पूजन द्विवेदी लोग रहे मौजूद। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय कुमार तिवारी की रिपोर्ट।